दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं आप भी HDFC बैंक में आपके अकाउंट खुला है और उसका कस्टमर आईडी भूल गए हैं किसी, अगर मैं कहीं आपका ज़रूरत पड़ गया है, ठीक है, तो कस्टमर आईडी कैसे फाइंड कर सकते हैं, मतलब उसे किसे निकाल सकते हैं, बोले तो उसे किसे पता कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाई स्टेप आपको बताऊँगा। तो बहुत से भाइयों ने मेरे पास कमेंट किया कि उसका वीडियो बनाइए, इसके लिए मेरे को बनाना पड़ रहा है। तो आपको अगर मैं फाइंड करना मतलब निकालना है और पता करना है, तो उसके लिए आपको गूगल में जाना है, HDFC बैंक लिख के सर्च कीजिएगा। जिससे सर्च करेंगे आपको स्क्रॉल करना है और थोड़ा स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से विजिट कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो इसको इधर नज़र नहीं डालना है आपको। यहाँ पे 3 लाइन्स जहाँ पे मेनू लिखा है, इस पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करना है। जिससे लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेट बैंकिंग का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपको कुछ देर वेट करना है, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू टू नेट बैंकिंग पर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे नेट बैंकिंग में लॉगिन होने के लिए। यहाँ पे बोला है कस्टमर आईडी डालने के लिए, बट अगर मैं कस्टमर आईडी भूल गया तो उसको फाइंड कैसे कर सकते हैं, मतलब इसके कैसे पता कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर फॉरगेट कस्टमर आईडी पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, और उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, और उसके बाद जो पैन कार्ड है, जैसे कि पैन कार्ड आधार कार्ड समझते हैं ना, वो पैन कार्ड, ठीक है, पैन कार्ड का यहाँ पर नंबर डालना है, और उसके बाद जो सिक्योरिटी कोड दिखाई देगा आपको इसमें फिल कर देना है, और फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को इसमें फिल कर देना है। तो आपको OTP फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है, और जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए मेरा कस्टमर आईडी आ भी गया है। जब मैं अपना अकाउंट ओपन कराया था, ठीक है, यहाँ पे जब मैं अकाउंट ओपन कराया था तो मेरे साथ ये भी मिला था, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मेरा कस्टमर आईडी दिख रहा है, ठीक है, इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। मेरा कस्टमर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। इसके लिए मेरे को आपको दिखाना पड़ रहा है, ताकि इसमें और इसमें, क्योंकि जब मैं अकाउंट ओपन किया था तो मिला भी था मेरे साथ। तो आप लोग इस तरह अपना कस्टमर आईडी को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि अगर मैं कभी आप बाई चांस अकाउंट नंबर भूल जाते हैं तो उसको कैसे निकालते हैं, मतलब उसको कैसे फाइंड करते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर बता दूंगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा,